नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने रूफटॉप गार्डन का एक ओवरव्यू दूंगी। आज मार्च महीने की 10 तारीख है और जो सीजनल विंटर फ्लावर्स थे वो लगभग सभी ख़त्म हो चुके हैं और गर्मियों के फूलों के खिलने की अब बारी है। देखिए, बोगनवेलिया इस समय जितने भी हैं मेरे सब खिल रहे हैं अच्छे। ये हिमेलिया का पौधा है और यहाँ पे एक अनार का पौधा मैंने लाके लगाया हुआ था। और ये देखिए गार्डन का एक लुक है इस तरह से। और जो सभी प्लांट्स हैं लगभग बड़े प्लास्टिक कंटेनर में लगे हुए हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो वो टेराकोटा वाले प्लांटर्स में भी मैंने लगाए हुए हैं। और ये एंट्रेंस पे मैंने दो जो टायर हैं उसका प्लांटर बना के उसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये कुछ देसी पिटूनिया हैं जो मेरे पास वाइट कलर में हैं और हर साल ही अपने आप ही इन गमलों में इनके पौधे आ जाते हैं और इस तरीके से ये बहुत अच्छे पूरे फुल फ्लावर्स देते हैं, एक के फ्लावर्स देते हैं। ये क्रिसमस ट्री है और ये काफ़ी बड़ा हो गया है, 10 से 15 फीट ऊंचा हो रहा है इस समय। इधर ये मेरी पुरानी साइकिल है, इसको भी इस तरह से मैं कुछ प्लांट्स लगा के इनको डेकोरेट कर देती हूँ। और यहाँ पे कुछ लिली के, बोगनवेलिया के देखिए प्लांट्स लगे हुए हैं। ये करी लीव्स का पौधा था, इस समय इनमें फूल आ रहे हैं करी लीव्स में। और ये लिली है, इस समय अब मार्च में लिली में फूल आएंगे। देखिए कुछ कलियां दिखनी भी शुरू हो गई हैं। और इस में मेरे कुछ प्लांट्स मर भी गए हैं। और ये देखिए वही वाइट वाले पिटूनिया हैं जो कहीं कहीं गमलों में ये निकल आए हैं, अपने आप ही निकले हैं और इस समय इसमें फ्लावर अच्छे आ रहे हैं। बोगनवेलिया है, फाइकस है। और ये देखिए ये चीकू का प्लांट है जो लगभग 2 साल पुराना हो गया है और ये इसमें फूल आ रहे हैं देखिए। और ये प्लांट आप लोगों को गैस करना है किस चीज़ का है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लांट किस चीज़ का है। और ये नींबू है, बोगनवेलिया है, ये फुल ब्लूम्स पे हैं इस समय। इसमें कनेर है, पेंसिल, ये पेंसिल प्लांट है। फिर देखिए फिर फाइकस है, बोगनवेलिया है और कुछ चंपा के प्लांट्स मैंने ऊपर लगा रखे हैं। चंपा में भी अब नई लीव्स आने शुरू हो गई हैं। और ये देखिए पूरा एक फुल लुक ये इसका देखिए इस तरीके से आता है। और बीच में ये पोनीटेल पाम लगा हुआ है।